मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पानी के भीतर की दुनिया के दो सबसे बड़े जानवरों की लड़ाई के बारे में बताने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े शार्क और सबसे बड़े क्रोकोडाइल के लड़ाई की। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन और सबसे बड़ा क्रोकोडाइल सार्कोसुकस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि मेगालोडॉन धरती पर आज से लाखों साल पहले पाए जाते थे, जबकि सार्कोसुकस का अस्तित्व मेगालोडॉन के अस्तित्व के खत्म होने के भी लाखों साल बाद आया था। यानी कि ये दोनों जीव कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर विनर कौन होगा? चलिए जानते हैं दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं कमाल के होने वाले इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मेगालोडॉन की। मेगालोडॉन को शार्क प्रजाति के सबसे बड़े फिश के तौर पर जाना जाता है। ये समुद्र के भीतर आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले रहा करती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट थी और वजन 40 टन के करीब था। ये फिश ज्यादातर डॉल्फिन, समुद्री कछुए आदि का शिकार करती थी और अपना पेट भरती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये व्हेल तक का शिकार करती थी। अभी तक मेगालोडॉन के शिकार का जो रिकॉर्ड मिला है, उसके हिसाब से ये तकरीबन 11 मीटर लंबे व्हेल तक को आसानी से खा जाती थी। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शार्क फिश कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हुआ करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेगालोडॉन का बाइट फोर्स 18 टन तक हुआ करता था। यानी कि एक झटके में समुन्द्र के कौन से बड़े जीव के भी टुकड़े कर डालती थी। मेगालोडॉन अटैक करने के मामले में जितनी तेज थी, उतनी तेजी से ये समुन्द्र में तैरती भी थी। अब अगर बात करें इसके विलुप्त होने की, तो समुन्द्र के भीतर पर्याप्त खाना न मिलने और ग्रेट व्हाइट शार्क से कंपटीशन के चलते धीरे धीरे करके समुन्द्र की दुनिया से गायब हो गई। लेकिन आज भी इसे पानी के भीतर रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वही दूसरी तरफ सार्कोसुकस एक प्रकार का क्रोकोडाइल था। उसको आज तक के सबसे बड़े क्रोकोडाइल के तौर पर जाना जाता है। सार्कोसुकस भी आज से लाखों साल पहले पानी में पाया जाता था। सार्कोसुकस ज्यादातर छोटी नदियों, तालाबों में रहा करता था और पानी में रहने वाले छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता था। कहा जाता है कि सार्कोसुकस धरती पर रहने वाले विशालकाय डायनासोर्स के ऊपर भी अटैक करके उन्हें अपना शिकार बनाया करता था। सार्कोसुकस की लंबाई तकरीबन 43 फीट तक हुआ करती थी और उसका वजन 9 से 10 टन तक हुआ करता था। वही अगर बात करें इसके बाइट फोर्स की, तो वो भी तकरीबन 9 टन का था। यानी कि जब भी ये शिकार को अपने दांतों से काटता था, तब जबड़ों से लगभग 9 टन का फोर्स अप्लाई करता था। ये पानी के भीतर लगभग 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैर सकता था। इसकी ये सारी खास बातें इसे इतिहास की सबसे बड़े क्रोकोडाइल की लिस्ट में शामिल करती है। सार्कोसुकस इस दुनिया के बदलते क्लाइमेट की वजह से और अनुकूल माहौल न मिलने की वजह से विलुप्त होते चले गए और उसकी जगह पानी के भीतर छोटे क्रोकोडाइल्स ने ले ली। अब अगर बात करें मेगालोडॉन और सार्कोसुकस के मुकाबले की, तो मेगालोडॉन के पास सार्कोसुकस की तुलना में काफी भारी क्षमता थी। उनकी लंबाई 50 से 60 फीट और वजन लगभग 40 टन तक हुआ करता था, जबकि सार्कोसुकस का वजन मात्र 10 टन था। लंबाई भले ही तकरीबन मेगालोडॉन के बराबर की थी, यानी कि वजन और लंबाई के मामले में तो मेगालोडॉन ही भारी पड़ रही है। मेगालोडॉन का बाइट फोर्स भी सार्कोसुकस की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा होता था। मेगालोडॉन 18 टन के बाइट फोर्स से काटती थी, जबकि सार्कोसुकस का बाइट फोर्स मात्र 9 टन ही हुआ करता था। यानी कि अगर ये दोनों जीव एक दूसरे पर दांतों से अटैक करते हैं, तो भी यह जंग मेगालोडॉन ही जीतेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बाइट फोर्स ज्यादा होने के साथ ही मेगालोडॉन के दांत भी लगभग 7 इंच लंबे और नुकीले हुआ करते थे। हालांकि सार्कोसुकस की स्किन भले ही काफी मोटी हुआ करती थी, लेकिन मेगालोडॉन के काटने का सामना करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। दूसरी तरफ अगर सार्कोसुकस अपनी जान बचाकर भागना भी चाहे, तो भी वह मेगालोडॉन से ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। यहाँ पर भी जीत मेगालोडॉन की ही होगी। सार्कोसुकस को अगर मेगालोडॉन से जीतना है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेगालोडॉन की गर्दन पर वार करना। लेकिन मेगालोडॉन जैसे भारी भरकम शरीर वाले, भेद आक्रामक स्वभाव वाले जीव के शरीर के गर्दन से छेड़छाड़ करना सार्कोसुकस के लिए सीधे मौत को दावत देने के समान है।
मेगालोडॉन का एक निगेटिव पॉइंट यह है कि उसकी बॉडी काफी मोटी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसके लिए अपने भारी भरकम शरीर को कम समय में मोड़ना काफी मुश्किल हुआ करता था। जबकि सार्कोसुकस की बॉडी में पूंछ का भी काफी हिस्सा था, जिस वजह से उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। उसके लिए कम समय और कम जगह में टर्न लेना बहुत आसान था। यहाँ पर सार्कोसुकस बाजी मार सकता है। वह बार बार टर्न लेते हुए मेगालोडॉन के हमले से बचकर उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन यह बड़ी फुर्ती का काम है और इसके लिए सार्कोसुकस के पास काफी एनर्जी होनी चाहिए। कुल मिलाकर इन दोनों ही जानवरों के बीच होने वाली लड़ाई में हमारे हिसाब से 99.99% जीत मेगालोडॉन की ही होगी, क्योंकि वह हर मामले में सार्कोसुकस से ज्यादा पावरफुल है। वैसे आपके हिसाब से इस लड़ाई में कौन विनर बनेगा, यह बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।